हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 11 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट हमारी है 10th के बच्चों के लिए और वर्कशीट का नंबर है 40। हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, इसमें हम हिंदी मीडियम में पूरी वर्कशीट करेंगे, मैथ, साइंस और हिंदी भी साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। फर्स्ट वर्कशीट है इस चैप्टर की, नया चैप्टर है आप लोगों के लिए, तो ध्यान देके सुनिएगा इसको। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? यह बना है ग्रीक शब्द से, जिसमें ट्री का अर्थ होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रन का मतलब होता है माप। तो मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोण के मध्य सहसंबंध के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के लंबाई के बीच के मध्य को व्यक्त करते हैं। अब आपको पता है, यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज, उसकी बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये होता है आधार, ये होता है लंब और इसे कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। इसी के बेसिस पे, इसी को यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, अलग अलग चीज़ों का माप निकालते हैं, मान निकालते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, छः हैं। आपको इन छों का नाम याद रखना पड़ेगा। अब कैसे निकलते हैं इनको निकालने के लिए ना, जैसे हमने किया था, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, इनमें से दो का पैर लेते हैं। जैसे कि साइन निकालने के लिए होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस निकालने के लिए होता है आधार बटे में कर्ण, टेन के लिए लंब आधार, कॉट के लिए आधार लंब, सेक के लिए कर्ण आधार और कॉसेक के लिए कर्ण लंब। अब इसे याद करने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आपको, कैसे याद करेंगे, बड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक है लाला आम लाया, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम। ठीक है, ये मैंने बना दी टेबल। सबसे पहले है ये साइन, फिर है ये कॉस और फिर है ये टेन। ठीक है, लिख दिया मैंने साइन कॉस टेन। फिर ये है कॉसेक, यहाँ से सेक और ये है यहाँ पे कॉट। अब देखो हमने कैसे किया। साइन है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। अभी मैं आपको एक साथ चेक भी कराऊंगी। साइन है लंब बटे में कर्ण, तो साइन का देखो क्या था, लंब बटे में कर्ण ही था। फिर कॉस है आधार बटे में कर्ण, तो ये आधार बटे में कर्ण ही था। उसके बाद टैन है लंब बटे में आधार, तो ये लंब बटे में आधार ही था। फिर कॉसेक है, कॉसेक हम नीचे से शुरू करेंगे, पहले कर्ण और फिर लंब, कर्ण बटे में लंब, तो कॉसेक का देखो कर्ण बटे में लंब। सेक का कर्ण बटे में आधार, सेक का देखो कर्ण बटे में आधार। और कॉट का है आधार बटे में लंब, तो ये है आधार बटे में लंब। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है, आपको ये लिखना आ गया तो आप सिंपली लिख सकते हैं। मैं ये बता रही हूँ, कॉसेक का होता है, नीचे से शुरू करते हैं, ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट ट्रिक है लाला आम लाया, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, बस ऐसे याद रखना है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और बस शुरू हो जाइए। बहुत इजी तरीका है याद करने का, इवन मैंने भी ऐसे ही याद कर रखा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं उदाहरण। यदि टेन ए यदि tan a 4/3 हो तो कर्ण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, ये आपको दे रखा है 4/3। अब tan का हम लोगों ने पढ़ा था, tan क्या होता है, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, sin cos tan, तो tan का होता है लंब बटे में आधार, तो आपको पता है tan का होता है लंब बटे में आधार, तो tan का हमें पता है लंब और आधार। ठीक है,
तो ये हमें ट्रायंगल दे रखा है बेटा, ये टेन ए का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए रहेगा। तो लंब कितना है हमारा ऊपर वाला, चार, तो मैंने यहाँ पे चार लिख दिया। आधार कितना है, तीन, तो मैंने आधार में तीन लिख दिया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आपको बाकी निकालने के लिए बोला है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला है। अभी आपको ये दोनों दे रखा है, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता ही है, हम क्लास सेवन से करते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर जमा आधार के स्क्वायर के, ठीक है। लंब का स्क्वायर हमें चार दे रखा है, आधार का स्क्वायर हमें तीन दे रखा है। चार चौक 16 होता है, तीन तिया 9 होता है। कर्ण निकालना है, कर्ण यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और कर्ण का माप कितना हो गया, कर्ण का माप हो गया 5। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने कर्ण निकाला है 5, यानी कि एसी हमारा कर्ण था 5 निकल गया। अब आपको सब पता है, आपको आधार भी पता है, आपको कर्ण भी पता है, आपको लंब भी पता है, तो आप सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने में दिक्कत होगी, सारा का सारा लिख लो। साइन हमने पढ़ा था, अगर साइन हमने पढ़ा था क्या होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ दोबारा से, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, तो क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो देखो लंब कितना है, चार, कर्ण है तीन, देखो चार मतलब सारे के सारे चार और पांच, ये हो गया। ऐसे ही कॉस का माप, कॉट का माप, टेन का माप, सारे के सारे माप आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी करने में, क्योंकि आपको बस ये है कि आपको ये पुट करना आना चाहिए। अगर आपने एक बार ये पुट कर दिया और आपको ये सारा का सारा पता है कि साइन कॉस कॉसेक कॉट क्या क्या होता है, तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं होता। पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री दे रखा है, तो त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पे हमें ए निकालना है, सेक ए, तो हम ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ है, सी यहाँ है, क्योंकि बी 90 डिग्री दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, यदि 15 कॉट ए 8 हो, तो बेटा 15 कॉट ए 8 दे रखा है, कॉट को अकेला छोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा 8 बटे में 15, दो चीज़ें निकल गई। चलो आगे देखते हैं, ये यहाँ कर रखा है। फिर अब हमें ए भी पता है, ए भी हमारा 8 है और ये हमारा है 15, सॉल्व कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, यहाँ पे इसका मतलब हुआ पाइथागोरस थ्योरम से। तो भाई हमें पता है कर्ण का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने इसको पूरा का पूरा सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ गया 17, एसी हमारा 17 आ गया। अब हमें सेक और साइन निकालने के लिए बोला था, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपने हिंदी में भी कर ही रखा है क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो इसको लिख लीजिए 15 बटे में 17, ऐसे ही सेक निकल जाएगा 17 बटे में 8। दूसरा प्रश्न है बेटा ये वाला, इसके अंदर हमें सेक का मान दे रखा था 13 बटे में 12, तो सेक का मान 13 बटे में 12 दे रखा था, तो हमें पता है, हमें निकालना तो आता ही है कि भाई सेक क्या होता है हमारा, कर्ण बटे में आधार। अभी हमें कर्ण का भी नाप पता है और आधार का नाप भी पता है, ठीक है। तो 13 और 12 निकल गया, हमने पाइथागोरस थ्योरम में इसकी वैल्यू डाली और पाइथागोरस में वैल्यू डाल के हमारा जो आप ये है, ये कितना आ गया, लंब कितना आ गया हमारा 5 आ गया। फिर हमने सबकी वैल्यू निकाल दी, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सबकी वैल्यू निकल गई है। तीसरा है हमारा, साइन दे रखा था हम लोगों को, हमें साइन ए की वैल्यू भी निकाल ली हम लोगों ने। फिर साइन का मतलब क्या होता है, लंब और कर्ण, ठीक है, मतलब हमें बेस निकालना है, आधार निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई और आधार की वैल्यू हमारी आ गई √7। बस √7 आपको पता चल गया, आपको कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, लंब भी पता है, तो आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमको बोला था कॉस ए और साइन सी को मिला के निकालने का, तो मैंने निकाल दिया कॉस ए और साइन सी। कॉस ए √7 बटे में 4 और साइन सी में फ़र्क क्या रहेगा, ये ए चला जाएगा ऊपर और साइन ये आ जाएगा नीचे, आ गया। अब आने के बाद चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी, ए बी, लेकिन अब ए बी यहाँ हो गया तो √7 इधर आ गया, तो इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे और मैंने इसको प्लस कर दिया तो √7 / 4 मेरा आंसर आ गया। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम चीज़ दे रखी थी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने निकाल लिया, क्यू आर की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब क्यू पे राइट एंगल था, टेन की वैल्यू हमने लोगों ने निकाल ली, टेन निकाल लिया। अब आपको पता है, अगर आपको आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है,
तो आपसे जो बोलेगा निकालने के लिए आप वो निकाल सकते हैं। तो कॉट आर की हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी और बाद में हमने टेन पी से कॉट आर को माइनस किया और हमारी वैल्यू ज़ीरो आ गई। कुछ समझ नहीं आया तो एक बार ही कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये नया चैप्टर है तो इस चैप्टर पे एक वीडियो बना दें, अच्छे तरीके से आपको समझा दें उन चीज़ों को। चलिए, मैथ्स की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। अब यहाँ पे जो आपको इंग्लिश में दिख रहा है ना, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, दिखा है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो हम लिखेंगे पी क्यू आर क्यू पर 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं। साइंस करते हैं बच्चों, जैव प्रक्रम आज हमारी साइंस की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है, जिसमें हम उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। हम इंसान हैं और जो जीवित शरीर है उन सब में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, तो इनमें बहुत सारे पदार्थ बनते हैं और बहुत सारे पदार्थ निकलते भी हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, अब उनका जो बनते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, उनका निष्कासन करना आवश्यक होता है। तो आपको पता ही है दो तरह के जीव होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिसमें एक कोशिका होता है जैसे अमीबा, और बहुकोशिकीय जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं जैसे कि मनुष्य। तो इन दोनों में ही उत्सर्जन की जो अभिक्रिया होती है, उत्सर्जन का जो कार्य होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं बेटा, उनमें उनके शरीर की सतह इस तरीके की होती है कि जो जल है वो बाहर विस्तृत हो जाता है। और बहुकोशिकीय जीव में इसके लिए स्पेशल अंग होते हैं जिनकी सहायता से निष्कासन पॉसिबल हो पाता है। तो मानव में उत्सर्जन के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा, मानव में जो उत्सर्जन का कार्य है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी जो रक्त होता है, रक्त के अंदर यूरिया और यूरिक अम्ल मिला होता है, उसको निकालना, उसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। और जो वो कार्य है वो हमारे वृक्क करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें तीन मुख्य चीज़ें होती हैं, चार बेसिकली। ये हमारे वृक्क होते हैं, फिर हमारी ये मूत्रवाहिनी होती है, फिर ये हमारा मूत्राशय, और बाद में हमारे पास होता है मूत्रमार्ग, और ये मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। ठीक है, आपको पता है मूत्र बनाने का उद्देश्य क्या होता है, कि जो रुधिर है उसको साफ किया जा सके और उसमें से जो यूरिक और यूरिक अम्ल बेटा उसको छान के बाहर निकाला जा सके। वो छनता है, छनने के बाद वो क्या होता है, मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो भर जाता है पूरा, और फिर प्रेशर इतना बनता है कि मूत्रवाहिनी के द्वारा वो बाहर निकल जाता है और इस तरीके से मूत्र का निष्कासन हो जाता है। अब मूत्र का निर्माण किस तरीके का होता है बेटा, शरीर में मूत्र निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। सबसे पहले क्या है, अधिक ताप के अंतर्गत कोशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलय पदार्थ को वोमन संपुट में धकेलती है। तब हृदय नलिका द्वारा प्रवाहित होता है, जहां ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनरावशोषण होता है। जैसे जैसे मूत्र नलिका में प्रवाहित होता है, जिसमें जो के पॉजिटिव आयन्स होते हैं और जो NH4 जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं बेटा, वो मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं, रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। तब संग्राहक वाहिका मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनरावशोषण होता है। इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल, एक वर्णक जो मूत्र को रंग देते हैं, वो भी होते हैं। फिर मूत्र का विनिष्कासन किस तरीके से होता है, जब मूत्र बन गया तो फिर मूत्रवाहिका के द्वारा वो मूत्राशय में पहुंचता है, और जब वो उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दाब की वजह से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। यह वृक्क की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। रुधिर कोशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर इन नलिका के गमन करता है, इन नलिकाओं में गमन करता है, जिसे कोशिका गुच्छ या गोलेरोमन रुलस कहते हैं। यह एक कप की आकृति जैसे वोमन संपुट होते हैं जो आच्छादित रहता है। तो आप देख सकते हैं संग्राहक वाहिका है, फिर इसमें ये वृक्काणु का नीलाकार भाग आप देख रहे हैं, ये वृक्क धमनी है, ये वृक्क शिरा की शाखा है, ये वृक्क धमनी की शाखा है, और ये कोशिका गुच्छ है जैसे वोमन, और उसके पास है वोमन संपुट। अब कुछ प्रश्न है, चलिए उनके उत्तर भी देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, तो हम लोगों को पता है एक कोशिकीय जीव अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित करते हैं। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। फिर पूछा है एक कोशिका जीवों में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीवों से किस प्रकार भिन्न है। आपको दोनों में अंतर बताना है, तो ये दोनों में अंतर है। अगर आप
पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये है, बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीव से भिन्न होता है क्योंकि बहुकोशिकीय जीव में अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित किया जाता है और एक कोशिकीय जीव में शरीर की सतह से ही उनका विसरण होता है। फिर पूछा है वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो बेटा ये तीसरे का आंसर है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई को वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन कहते हैं। फिर चौथा प्रश्न है मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निषेंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, नेफ्रॉन से आप क्या कहते हैं, से यह क्या कहता है, ये है आपका फोर्थ का आंसर। फिफ्थ है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है, आपको ईजी बनाना है तो वो भी बता देती हूँ। ये बन गए आपके वृक्क यानी कि किडनी, ये आपकी है मूत्रवाहिनी, ये है मूत्राशय, और ये है मूत्रमार्ग। तो बहुत इजी सा डायग्राम बन गया, आप इसमें नाम भी लिख सकते हैं, ये आपके वृक्क है, ये आपकी मूत्रवाहिनी है, ये आपका मूत्राशय है, और ये लास्ट वाला है मूत्रमार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट में जो कि है हिंदी की, औपचारिक पत्र पढ़ने वाले हैं हम, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों पिछले कार्यकलाप में आपने अनौपचारिक पत्र की विशेषताओं के बारे में जाना था, उसे लिखने का अभ्यास भी किया था, इसी कड़ी में एक कार्यकलाप से भी हम अनौपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसर पर लिखे जाने वाले पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए पत्र और कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाषा सरल हो, पत्र लेखन और पाने वाले की आयु योग्यता पद का ध्यान रखा जाना चाहिए, पत्र में लिखी बात संक्षिप्त में होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम राम कहानी लिख रहे हैं उसके अंदर, पत्र का आरंभ और अंत प्रतिभाशाली होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, भाषा और वर्तनी शुद्ध और लेखन स्वच्छ होना चाहिए, मतलब सामने वाले को समझ आ जाए, इतनी गंदी हैंडराइटिंग नहीं लिखनी कि समझ ही ना आए उसको। पत्र भेजने वाले यानी कि जो प्रेषक होता है और जो पत्र प्राप्त करने वाला है प्रापक, उसका पता साफ शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपको पता है पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन है वो उसको देखेगा, उसकी छटनी होगी, और अगर आपका एड्रेस ही समझ में नहीं आया तो फिर क्या ही छटनी होगी उसकी। कक्षा परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय अपना नाम के स्थान पर आपको क ख ग लिखना होता है और पते के स्थान पर आपको लिखना होता है परीक्षा भवन। तो अभ्यास के लिए है, फिर पत्र में कांट छाट नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। एक साल पहले आपने अपने पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को भेजा था, दुर्भाग्य से आपका दोस्त इसे वापस करना भूल गया। पुस्तक का आपके लिए बहुत महत्व है क्योंकि यह आपकी दादी का उपहार थी, अपने दोस्त को उस पुस्तक को वापस करने के लिए पत्र लिखिए। दूसरा है कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय तक अपने सबसे अच्छे दोस्त या सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा, अपने दोस्त को याद करते हुए आपको पत्र लिखना है। तो दो क्वेश्चन है आपके पास, चलिए देखते हैं, एक करते हैं इसमें से। अ बस अपार्टमेंट ब्लॉक बी यमुना विहार, फिर डेट डाली है प्रिय मानसी, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करता हूँ वहाँ भी सब प्रसन्नतापूर्वक होगा। क्या आपको याद है जब हम आखिरी बार मिले थे तब मैंने आपको एक किताब टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स दी थी, मुझे आशा है कि आप इसे पढ़ चुके होंगे। यह पुस्तक आपको कैसी लगी? जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे एक बार के लिए आश्चर्य हुआ, क्योंकि आपको जीवन के बारे में दो बार सोचने के लिए मजबूर ज़रूर होगा कि जिस तरह से मुझे किया था। मेरी दादी बहुत आध्यात्मिक थी, मैं बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें पढ़ती थी, उन्होंने मुझे यह पुस्तक मेरे जन्मदिन पर उपहार में दी थी, यह मेरी दादी की यादों में से एक है। यदि आप अगली बार मिलेंगे तो कृपया इस पुस्तक को मुझे लौटाने का प्रयत्न करें, मैं इसके लिए बहुत ही आभारी रहूँगी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, पर इसे अब तक तब तक रख सकते हैं जब तक आप इसे समाप्त ना कर लें। मेरी आपसे निवेदन है कि इसे सुरक्षित रखें, आपसे जल्दी मिलने की उम्मीद है। आपका मित्र क ख ग।
तो इस तरीके से हमने ये लेटर लिख ली। तो हमने अभ्यास में लिखी है दूसरी वाली, पहली वाली। अब दूसरी वाली आप लिखिए, देखते हैं कैसे लिख पाते हैं। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय तक नहीं मिल पाए और ना देखा, याद करते हुए पत्र लिखना है। सब सेम है, यहाँ तक आप सब कुछ सेम लिखेंगे। उसके बाद लिख सकते हैं फिर कि आप कैसे हैं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ। कोरोना की वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, पिछले 5 महीने बहुत मुश्किल से कटे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब घर में अच्छे होंगे, आप सब जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, जो दिशा निर्देश दे रखे हैं, उनका पालन कर रहे होंगे। आशा करती हूँ आप मास्क पहन रहे होंगे और जो काम ऑनलाइन मिल रहा है उस काम को अच्छे से कर रहे होंगे। उसके बाद बहुत इच्छा है आपसे मिलने की, कोशिश करेंगे कि जल्दी ही मिलना हो और ये कोरोना महामारी भी समाप्त हो जाए। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, जैसे भी आपको लिखना है। अंत आप इसी तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। आपसे जल्दी मिलने की उम्मीद है, आपकी सखी और अपना क ख ग। इस तरीके से आप दूसरी लेटर लिखिए, थोड़ा सा काम खुद भी करना चाहिए ना। चलिए, हमने ये कर लिया। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।